दोस्तों नमस्कार। 24 तारीख को ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन साउथ अफ्रीका में समाप्त हो गया है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशंस अनाउंस भी किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया गया है। अभी तक वहाँ पे 5 देश हुआ करते थे, अब वहाँ पे 6 देशों को और शामिल किया गया है। दोस्तों, ब्रिक्स में किस तरह से काम होता है, वहाँ किस किस तरह के एजेंडा सेट होते हैं, मेरा इसमें पर्सनल अनुभव है करीब 5 साल का। हर ब्रिक्स कंट्री की मीटिंग्स में मैं एग्री बिजनेस कमेटी की जो रिप्रेजेंटेशन होती थी भारत का, मैं उसका सदस्य होता था। अगर आप थंबनेल में भी देखें तो पिछली बार जो साउथ अफ्रीका में मीटिंग हुई थी और जो कोर ग्रुप था एग्री बिजनेस का, उसका मैं मेंबर था और वो फोटो मैंने थंबनेल में भी डाली है आपके रेफरेंस के लिए। इस बार का जो ब्रिक्स समिट है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या भारत को इसका फायदा होगा? और अगर भारत को ब्रिक्स का फायदा उठाना है, एक्सपेंडेड ब्रिक्स का, तो किन बातों का ध्यान रखना होगा, मैं अपने अनुभव से आपके साथ साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक अगर नहीं किया है तो। दोस्तों, अभी तक ब्रिक्स में 5 देश थे, जैसा नाम से इंडिकेटेड है। ब्रिक्स में पहला ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब जो कंट्रीज इसमें जोड़े गए हैं वो है अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। अब अगर इन कंट्रीज को अगर आप ध्यान से देखें कि पूरी दुनिया में ये 6 कंट्री ही क्यों जोड़े गए, इसके पीछे भी एक सोचने की बात है। क्या इन कंट्री से भारत को फायदा होगा? इस समय ब्रिक्स की स्थिति क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल लेवल पे कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए, जैसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बना, उसमें चाइना में स्थापित है। इसी तरह से कुछ और समझौते हुए, लेकिन ज्यादा डिटेल में जाने से पहले हमें यह भी समझना होगा दोस्तों कि दुनिया में करीब 65-70 ऐसी संस्थाएं हैं, ब्रिक्स जैसी संस्थाएं, जो मल्टीलेटरल हैं, जहां पे कई देश मिलके काम करते हैं। करीब 70 से ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी। तो ब्रिक्स बनाने की जरूरत क्यों हुई? ब्रिक्स को बनाने का सबसे अच्छा जो कारण था वो ये था कि ये 5 देश इमर्जिंग इकोनॉमी थे, और कारण ये था कि G20, G7 का अल्टरनेट अगर कोई इमर्जिंग इकोनॉमी दे सकते हैं तो उनका एक ग्रुप बनना चाहिए, क्योंकि वहां पे ग्रोथ है, वहां पे फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी है। तो अगर हम इनको स्ट्रेंथन करते हैं तो ब्रिक्स नेशन दुनिया में एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार बन सकते हैं। इस आधार पे 15 साल पहले ब्रिक्स ग्रुप की स्थापना हुई थी। अब ये जो नया एडमेंडमेंट आया है या नए जो मेंबर्स जोड़े गए हैं, इससे ब्रिक्स में जो संख्या वो 11 हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ये जो कंट्रीज जोड़े गए हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम देखें, लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना को जोड़ा गया है, इसका मतलब ये है कि ब्राजील और अर्जेंटीना अगर हम लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट से जोड़ देते हैं तो वर्चुअली ऑलमोस्ट 70% के आसपास, 60-70% ऑफ लैटिन अमेरिका का जो एरिया है वो इन दो कंट्रीज के पास आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। क्या इससे भारत को फायदा होगा? दोस्तों, आज वहां पे डायरेक्ट ट्रेड होता है चाइना का, और चाइना से एक्सेसिबिलिटी नजदीक भी है, इसीलिए चाइना का जोर था कि अर्जेंटीना को जोड़ा जाए, और वो चाइना ने सफलता मिली उसको, चाइना को हमने उसका समर्थन किया, क्योंकि भारत ने भी अपने हर देश से संबंध बनाने का एक प्लान बनाया हुआ है। अब 2 देश आते हैं अफ्रीका के, इथोपिया और इजिप्ट। अगर आप इनको ज्योग्राफी में देखें तो इथोपिया जो हमारा स्वेज कैनाल है, जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जो कनेक्ट करती है, तो इथोपिया रेड सी के शुरुआत में जो शुरुआत होता है वहां पे स्थित है, और इजिप्ट जहां पे स्वेज कैनाल है, वर्चुअली एंड ऑफ दैट स्ट्रेटेजिक रूट। और इंसिडेंटली दोनों जगह पे चाइनीज प्रेजेंस है,
और भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिबूती में चाइना का एक पूरा नेवल बेस भी है और वहीं से ही स्वेज कैनाल की एंट्री शुरू होती है। तो स्ट्रेटेजिकली चाइना लोकेटेड है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। दूसरा, इथोपिया में इस समय बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट हो रही है वो हो रही है नाइल रिवर पे, एक बहुत बड़ा 10,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और दूसरा, इथोपिया के अंदर चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ का संसद भवन, वहाँ पे अफ्रीकन यूनियन की एक पूरी बहुत सुंदर बिल्डिंग बना के चाइना ने गिफ्ट करी है। इंसिडेंटली उस अफ्रीकन यूनियन की बिल्डिंग में मैंने भी दो प्रेजेंटेशन दिए हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि वास्तव में बहुत अच्छी बिल्डिंग उन्होंने गिफ्ट करी है। उसके अलावा दो देश और शामिल हुए हैं, तीन देश, सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस भी आता है। तीनों देश इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स हैं, पेट्रोलियम के उत्पादक हैं और निर्यातक हैं, और तीनों के तीनों अपने आप को ग्लोबल पावर के रूप में या इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को एक मंच देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड ने ईरान का बायकॉट किया हुआ है, तो ब्रिक्स में जुड़ने से ईरान को एक ग्लोबल लेजिटिमेसी बनती है। सऊदी अरेबिया के भी यूरोप और अमेरिका से संबंध खट्टे मीठे रहते हैं, ब्रिक्स में आने से सऊदी अरेबिया को भी एक इंटरनेशनल फोरम और मिल जाता है, और यूएई एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में, टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और ब्रिक्स देश जो हैं वहाँ से काफ़ी इन्वेस्टमेंट यूएई में भी जाता है और वो एक ट्रेडिंग हब के रूप में ऑपरेट भी करता है। तो ये था इन 6 देशों का क्या सिग्निफिकेंस है, वो मैंने अब आपको बताया। अब सवाल ये है कि क्या ये 11 देशों का समूह अब ज्यादा एफिशिएंट होगा 5 देशों से, जो पहले 5 देश थे? मुझे नहीं लगता। मेरा पर्सनल अनुभव ब्रिक्स का ये है कि पुल्स एंड प्रेशर्स बहुत होते हैं। एक एक एजेंडा पे कंसेंसस बनाने के लिए, खासकर जब वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स होती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चाइनीज अपना एजेंडा लेके आते हैं, भारत का अपना है, बाकी कंट्रीज का अपना है, लेकिन चाइना हमेशा एग्रेसिव रहता है। पूरी तैयारी के साथ आते हैं उनके डेलीगेट्स और पूरा कोशिश करते हैं कि उनका एजेंडा मेन डिक्लेरेशन का हिस्सा बन जाए। इसका मतलब यह है कि चाइना जो सोच रहा है उसको ग्लोबल लेजिटिमेसी मिल जाए, इसलिए चाइना पूरी मेहनत से काम करता है। अब सवाल यह है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, क्या वो, जब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, तो इस समय चाइना अपने आप में एक डिस्टेबलाइजेशन फोर्स है जब हम बात करते हैं साउथ चाइना सी की या जापान के आसपास और ईस्ट एशिया में? लेकिन ब्रिक्स का एक एजेंडा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्या ये हो पा रहा है? रशिया यूक्रेन वॉर हमने देखा, ब्रिक्स मेंबर रशिया, इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉर्डर्स पे, दोनों ही ब्रिक्स के मेंबर हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में भी राइवलरी रहती है, अब दोनों ब्रिक्स के मेंबर हो गए, और चाइना अपने आप में साउथ चाइना सी का बाकी जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट रहता है, खासकर अमेरिका के साथ। तो क्या ब्रिक्स का ये जो नया ग्रुप है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे पाएगा? ये अपने आप सोचने की बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कम से कम और 10-15 ऐसे ग्रुप हो गए, इंक्लूडिंग यूएन इटसेल्फ। जब वो नहीं कर पा रहे तो ब्रिक्स नया डायमेंशन क्या कर पाएगा, मुझे नहीं पता। फिर दूसरी चीज आती है ग्लोबल इकोनॉमी के रिवाइवल को लेके। ये बात सही है कि ग्लोब में इस समय इन्फ्लेशन है, काफी जगह क्राइसिस है। अब इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तो क्रूड प्राइसेस। अब क्रूड प्राइसेस का बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन रशिया वॉर। लेकिन ये 3 मेंबर्स को जोड़ के क्या हम ये कहना चाहते हैं कि ग्लोबल रेट्स कम आ जाएंगे? क्या सऊदी अरेबिया ज़्यादा पैसा नहीं कमाना चाहेगा क्रूड बेच के? क्या यूएई नहीं करना चाहेगा? क्या ईरान नहीं करना चाहेगा?
और दूसरी बात, ये सारे के सारे ओपेक के मेंबर भी हैं। तो जब ये ओपेक के मेंबर हैं, तो क्या ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में जब इन्फ्लेशन की बात आती है और एनर्जी कॉस्ट को कम करने की बात आती है, तो ओपेक डिसीजन लेगा या ब्रिक्स डिसीजन लेगा? ये भी बात सोचने की है कि यही मेंबर फोकस करेंगे ओपेक में कि रेट बढ़े रहें, और ब्रिक्स में हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो रेट घटा दें। तो ये लोगों को हमने जब ब्रिक्स में जोड़ दिया, तो सोचना ये है कि क्या ये लोग ओपेक के साथ जाएंगे या ब्रिक्स के साथ। मेरा मानना ये है कि जो ओपेक मेंबर कंट्रीज हैं वो ओपेक की बात सुनेंगे, क्योंकि ब्रिक्स जो नेशंस हैं वो उनके कस्टमर्स हैं, और प्रोड्यूसर मिलके जो अपना एक कार्टल चलाते हैं, वो कंज्यूमर के कहने पे अपने रास्ते नहीं बदलते। तो मुझे नहीं लगता कि ये तीन मेंबर कंट्रीज किस तरह से इस पूरे ग्रुप में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए या इन्फ्लेशन कम करने में किस तरह से अपनी भूमिका प्ले करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि इन देशों के पास सरप्लस कैश हो सकता है, तो जो आपने ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बनाया है, उसमें आपको पूंजी के लिए अगर पैसे की ज़रूरत है, तो सऊदी अरेबिया जैसे लोग कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ये बात हम मान सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, वो आता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। इसको लेके बहुत चिंता हो रही है, खासकर जब रशिया युद्ध शुरू हुआ था, तो जिस तरह से रशिया पे दबाव डाला गया था कि हम आपका स्विफ्ट कोड सिस्टम, आपको ग्लोबल जो पेमेंट सिस्टम है उससे हम बाहर कर देंगे, और किया, इसको लेके पूरी दुनिया में चिंता हो गई, खासकर चाइना को, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर उन्होंने कभी ताइवान पे कोई हमला किया और उनके साथ ऐसा हुआ, तो उनके ट्रेड पे बहुत नेगेटिव असर आएगा। लेकिन कितना ना असर आएगा ये सोचने की बात है, क्योंकि बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज चाइना में ऑपरेट करती हैं। तो चाइना को नेटवर्क से बाहर करने का मतलब है अमेरिका की सारी लगभग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को वर्ल्ड मार्केट से बाहर करना। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या यूरोप ये जोखिम उठाएंगे, लेकिन फिर भी जब इशारा मिल गया है कि इस तरह का खतरा हो सकता है, तो मुझे लगता है कि उसकी तैयारी करना भी जरूरी। अब जो फोकस आया है घूम फिर के, अगर मैं बाकी एजेंडा पे जाऊं, तो मल्टीलेटरलिज्म को लेके कि हम संख्याएं बढ़ा रहे हैं मेंबर्स की, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसकी जगह मल्टीलेटरलिज्म हो जाए, प्रयास बहुत चल रहे हैं। इसीलिए हमने देखा कि यूएन के रिफॉर्म्स की बात होती है, लेकिन जब तक सारे देश अपना स्वार्थ छोड़ के एक साथ नहीं आएंगे, ये काम संभल नहीं हो सकता। फिर बात आती है पीस एंड डेवलपमेंट को लेके। जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है रशिया को लेके, ताइवान को लेके, उसमें ब्रिक्स मेंबर तो खुद ही शामिल हैं, तो हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट करने वाले? पूरी दुनिया तो यही कहेगी कि जो दो बड़े ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज हैं, चाइना और रशिया, अगर वो ही झगड़ा करना बंद कर दें, तो दुनिया में काफी हद तक शांति हो जाएगी। तो क्या ब्रिक्स इसके लिए तैयार होगा? क्या बाकी ब्रिक्स मेंबर जो अब 11 में से 9, क्या ये रशिया और चाइना को कह पाएंगे कि आप शांति बनाए रखें दुनिया के हित में? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों पावरफुल नेशंस। म्यूचुअली एक्सेलरेट ग्रोथ एक और एजेंडा है दोस्तों। वो तो 12 महीने सरकारें काम करती हैं, बायलैटरल मीटिंग्स होती रहती हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशन होता है। ब्रिक्स एंगल डालने से क्या कोई नया काम होगा? ये सोचने की बात है। हाँ, हो सकता है कि कहीं पे हम बायलेटरल टेक्नोलॉजी फोरम बनाएं, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन सेम हो, कहीं पे एग्रीकल्चर रिसर्च का आदान प्रदान हो, जहाँ पे पेटेंट टेक्नोलॉजीज हैं यूरोप नहीं दे रहा है, अमेरिका नहीं दे रहा है, वहाँ शायद हम एक दूसरे को कॉपरेट कर सकें। तो यहाँ पे एक उम्मीद बनती है, लेकिन इसके लिए एक दूरदृष्टि होना ज़रूरी है। जहाँ तक बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हम सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट लेके चले हैं। यहाँ पे भी हम एक दूसरे को टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एजेंडा तो फिक्स है। तो यहाँ नया एजेंडा कुछ नहीं है। हाँ, हम एक दूसरे को एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। ये जरूरी है
लेकिन इसके लिए जरूरी है कि क्या ब्रिक्स नेशंस आपस में एक दूसरे के यहाँ वीसा रेजीम को स्लो डाउन करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे। मुझे डर थोड़ा इसलिए लगता है क्योंकि जिस तरह से इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन है, हॉस्टाइल रिलेशन है, किसी भी तरह का पीपल टू पीपल कांटेक्ट दोनों तरफ की सरकारें चाहेंगी कम हो, एक्सेप्ट बिजनेस में। और मेक इन इंडिया के कारण और जिस तरह के सैंक्शंस लगाए हैं भारत ने, उसके कारण चाइना भी खफा होगा और वो भी इस तरह के प्रोत्साहन को बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म दे के आगे नहीं बढ़ाएगा। और आखिरी पॉइंट आता है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट में, भारत ने काफी हद तक किया है, लेकिन बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत है। बाकी देशों को भारत और चाइना सपोर्ट कर सकते हैं, यहां एक डेवलपमेंट का एजेंडा दिखता है। तो कुल मिला के दोस्तों, ये जो पूरा ब्रिक्स का जो मीटिंग हुआ है, इसमें मिक्स्ड रिजल्ट की उम्मीद है। हाँ, अगर भारत को इसका फायदा उठाना है तो किन बातों का ध्यान देना होगा, ये मैं आपके साथ थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। भारत को सबसे पहले अपने जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करना होगा। ब्रिक्स मीटिंग में भी या जितनी बायलेटरल मीटिंग्स हैं, जब हमारे अधिकारी जाते हैं या बिजनेसमैन जाते हैं, मुझे लगता है कि वहां पे और ज्यादा तैयारी की जरूरत है, और ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है कि हम एग्जैक्टली क्या बात करने जा रहे हैं। हम जनरल बातें करते हैं, वेग बातें बहुत हो जाती हैं, स्पेसिफिक टारगेटेड बातें नहीं हो पाती हैं, इसीलिए हम इन फोरम्स का ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते। जहां तक बात है इस ग्रुप में अपने ट्रेड इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, तो भारत को और भारत की इंडस्ट्री को प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी पे ध्यान देना होगा, और बगैर रिसर्च के और इनोवेशन के ये पॉसिबल नहीं है। चाइना इसमें बहुत आगे निकल चुका है, रशिया में स्ट्रेंथ है, बाकी मेंबर कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, वहां पे भी मल्टीनेशनल्स ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन भारत को अगर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो रिसर्च एंड इनोवेशन के साथ साथ प्रोडक्शन में क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी पे भी ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए भारत को अपने प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करना होगा कि आप जाएं और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि मेरा ये मानना है, अभी मैं 10 दिन पहले अफ्रीका ही था, जहां जहां पे भारतीयों ने इन्वेस्टमेंट किया है, वहां की सरकारें भारतीयों का और भारत के लिए बहुत पॉजिटिव व्यू रखती हैं और सुनती हैं। चाइना का जो फोकस होता है वो जनरली गवर्नमेंट्स के साथ होता है, और जो भारत इन्वेस्ट करता है वो लोगों पे फोकस करता है। इसलिए जब भारत इन्वेस्ट करता है तो भारत की गुडविल काफी बढ़ जाती है, और लोगों में साख बढ़ाने के लिए मुझे लगता है भारत सरकार को खुद और भारत के अच्छे प्राइवेट सेक्टर को, जिन सेक्टर्स में वहां पोटेंशियल है, एनकरेज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। और जहां तक हो सके डेवलपमेंट ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ काइंड, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, ये एक सकारात्मक कदम भारत की तरफ से हो सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? एक नया इंटरनेशनल फोरम का एक्सपेंशन हुआ है, किस तरह से भारत इस बदलती हुई दुनिया में एक्सपेंडेड ब्रिक्स का फायदा उठाए, आपके क्या सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।